कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए देश के हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है। ऐसे में कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है, भारत में इस साल के अंत या नए साल की शुरुआत यानी जनवरी माह में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने कहा, शुरुआत में इसके आपात उपयोग की मंजूरी मिल सकती है। हम महामारी से संबंधित बड़े बदलाव की तरफ हैं। अगर अगले 3 महीने तक हम ऐसा करने में सफल रहे तो चीजें बदल जाएंगी। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, एक बार बूस्टर डोज देने पर वैक्सीन लोगों के अंदर अच्छी खासी मात्रा में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, जिससे वे कई महीनों के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल लोकमत हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब आपको बताते हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आगे क्या कहा। उन्होंने कहा, अभी यह देखना बाकी है कि वैक्सीन लोगों में किस तरह की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगी। हमारे पास ऐसी वैक्सीन है जो ट्रायल के अंतिम स्टेज में है। उम्मीद है भारतीय नियामक इसके इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी दे देगी, जिसके बाद हम लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर देंगे। वैक्सीन कितनी सुरक्षित होगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमारे पास इस बात को साबित करने के लिए ज्यादा डेटा है कि ये वैक्सीन सेफ है। वैक्सीन सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया गया है। गुलेरिया ने कहा, 70 से 80 हजार वॉलंटियर्स को यह वैक्सीन दी गई है और किसी पर इस वैक्सीन के गंभीर परिणाम देखने को नहीं मिले हैं और वैक्सीन सेफ है। एस्ट्रोजेनिका की कोविड शील्ड वैक्सीन ट्रायल पर चेन्नई के एक वॉलंटियर द्वारा सवाल खड़े करने पर गुलेरिया ने कहा, यह वैक्सीन के कारण नहीं हुआ, यह वैक्सीन के कारण नहीं हुआ होगा, बल्कि किसी और वजह से हुआ होगा। उन्होंने कहा, हमने बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई है, कुछ लोगों को अन्य बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन यह वैक्सीन से संबंधित नहीं हो सकती है। अब हम कोरोना के मामले में कमी देख रहे हैं, उम्मीद है यह जारी रहेगी, लेकिन अगले 3 महीने लोगों को काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। इस बात का पर्याप्त डाटा है कि वैक्सीन सुरक्षित है। करीब 70 से 80 हजार लोगों को वैक्सीन दी गई है। अब तक वैक्सीन का कोई गंभीर विपरीत असर नहीं हुआ है। वैक्सीन से मृत्यु दर में कमी आएगी और बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाने से हम वायरस के प्रसार की चेन को तोड़ पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।